सभी का, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। और यूपी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम गंगा सवेरा के साथ। बात चुनाव की हो, सियासत की हो, या फिर हो मौसम के मिजाज की, हर खबर आज से आपको बताएंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। बिल्कुल आस्था, तो आज यूपी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव का मतलब है एबीपी गंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा के सफर। तो गंगा सवेरा में आज हम आपको दिखाने वाले हैं चुनावी मैदान की वो चार बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, पूरे दिन भर सियासी पारा उस पर हाई रहेगा। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं वो कौन सी मुख्य खबरें हैं, वो चार खबरें कौन सी है जिन पर आज के डेवलपमेंट को हम लगातार ट्रैक करेंगे। बिल्कुल, और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे की, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन कानपुर में किया जा रहा है और इस आयोजन में सीएम शामिल होंगे। चौधरी हरमोहन सिंह का परिवार मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहा है, संस्थापक रहे हैं। जन्म शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं और इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और आज से विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है, एक दिन का विशेष सत्र, वो शुरू हो रहा है। प्रदेश औद्योगिक शांति संशोधन अध्यादेश 2021 आज पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, सर्वदलीय बैठक होगी, विधानसभा उपाध्यक्ष का आज चुनाव भी होगा, ये भी महत्वपूर्ण आज है। सपा और भाजपा दोनों के ही उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा ने नितिन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा सपा की तरफ से मैदान में हैं, ये दोनों ही कैंडिडेट आमने सामने होंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष किस पार्टी का होगा वो भी आज तय हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, और देखिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में आज किस तरीके से किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में रेल रोको अभियान चलाने वाला है, आंदोलन चलाने वाला है। लखीमपुर हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग किसानों की तरफ से उठाई जा रही है और इसी कड़ी में ये जो आज विरोध है वो देखने को मिलेगा। कृषि कानून वापस लेने की मांग एक बार फिर से आज उठाई जाएगी। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर किसानों का जमावड़ा लगेगा, किसान मौजूद रहेंगे और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। किसान आज रेल पटरियों पर नजर आएंगे रेल रोके। बिल्कुल, और इसके साथ ही हम आज बात करने वाले हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम ये खबर आपको दिखाएंगे जहां अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया और कई जिलों के लिए तो रेड अलर्ट भी जारी किया है। बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। उत्तराखंड में जो मौसम है, 13 में से 10 जिले ऐसे हैं जिसमें तो रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और लोगों को हिदायत दी है कि अगर जरूरत ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, पूरी सावधानियां रखें। दरअसल आने वाले समय में इतनी बारिश और खराब मौसम की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है कि इसको 2013 की जो त्रासदी थी उससे भी कंपेयर करके देखा जा रहा है। धार्मिक यात्राओं पर भी पाबंदी लगाई गई है और लोगों से यही अनुरोध किया गया है कि अगर जरूरत ना हो तो वो फिलहाल इससे बचे। बिल्कुल, तो देखिए इन तमाम बड़ी खबरों पर आस्था हम बात करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और इसके लिए हम सीधा ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे जहां पर मेरे सहयोगी कौशल सेठ इस वक्त मौजूद हैं। जी कौशल, क्या खबर है? बिल्कुल प्राची, शुक्रिया। तो इस ब्रेकिंग सेंटर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हर एक बड़ी खबर, हर एक खबर का अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और बात लखीमपुर कांड की कर लेते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी की बर्खास्तगी की मांग और तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इसके तहत आज देश में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेनें रोकी जाएंगी। हालांकि यूपी में किसानों के इस आंदोलन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि आंदोलन की आड़ में अराजक तत्वों के सक्रिय होने की आशंका है, लिहाजा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इससे जुड़े तथ्यों की जानकारी देने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को लगातार उनके संपर्क में रहने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा है कि कहीं भी गड़बड़ी करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी प्राची,
बिल्कुल कौशल, तो देखिए जिस तरीके से ये आंदोलन धार पकड़ रहा है उसको देखते हुए लगातार अब सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस आंदोलन की आड़ में कई ऐसी घटनाएं देश में हो चुकी हैं आज तक जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े होने लगे। बिल्कुल, तो कौशल ने हमें ब्रेकिंग न्यूज बता दी, लेकिन 2022 के लिए चुनावी तैयारियां देखिए कैसी चल रही है, कौन से दल किस तरह जोर आजमाइश कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो देखिए असल में जिन 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, रणनीतियों को धार दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भाजपा मुख्यालय दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स देंगे। इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। बैठक में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक देश भर में जो सेवा एवं समर्पण अभियान चलाया गया था उस पर भी चर्चा होगी। इसके लिए सभी नेताओं को इस अभियान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ड को लेकर आने को कहा गया है। इस बात की संभावना है कि बैठक के अंत में प्रधानमंत्री का संबोधन हो, हालांकि पीएमओ ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की। तो आज चुनावी रणभूमि में लोगों की नजर किन खबरों पर टिकी रहने वाली है, वो कौन सी बड़ी खबरें हैं, इसे जानने के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। जी कौशल। जी आस्था, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है। यूपी विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र सदन के पटल पर आज रखा जाएगा, प्रदेश औद्योगिक शांति संशोधन अध्यादेश 2021। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सुबह 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विशेष सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है। चुनाव के लिए भाजपा के नितिन अग्रवाल और सपा समर्थित उम्मीदवार पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा मैदान में हैं। दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पूरे उत्तराखंड में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 13 में से 10 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। फिलहाल धार्मिक स्थलों पर जाने पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि मौसम बेहद खराब है और भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये आज की बड़ी खबर है। जी आस्था। बिल्कुल, तो देखिए हम लगातार तमाम बड़ी खबरों को बता रहे हैं और अगर किसी खबर को समझना है तो उसकी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम सबसे पहले बात कर लेंगे यूपी विधानसभा के आज एक दिन के विशेष सत्र की। तो यूपी विधानसभा का आज स्पेशल सेशन मतलब विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। एक दिन का ये विशेष सत्र है, प्रदेश औद्योगिक शांति संशोधन अध्यादेश ये आज टेबल किया जाएगा। और सत्र के शुरू होने से पहले खास बात ये कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष एक ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं और खास बात यह है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का भी आज चुनाव होने जा रहा है। भाजपा और सपा दोनों ने अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है, नितिन अग्रवाल और नरेंद्र वर्मा। भाजपा के नितिन अग्रवाल और सपा के नरेंद्र वर्मा के बीच में ये टक्कर है। तो आज ये डेवलपमेंट जो है विशेष सत्र से जुड़ी हुई होने जा रही है। स्पेशल सेशन को भी हम कवर करेंगे और यहां से निकलने वाली हर खबर आप। बिल्कुल, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब सीधा रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का, क्योंकि एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जहां से हमारे सहयोगी कौशल सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। जी कौशल। जी प्राची, तो जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि इस ब्रेकिंग सेंटर से हर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, किसान आंदोलन को देखते हुए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की चेतावनी। किसान आंदोलन को देखते हुए चेतावनी जारी की है लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने। आंदोलन में उत्पातियों पर पुलिस की खास नजर है, ऐसे लोगों पर पुलिस की ओर से रासुका लगाने की भी चेतावनी जारी की गई है। रेल रोको आंदोलन में शामिल होने वालों को चिन्हित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से किसान संयुक्त मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत आज से करने की का ऐलान किया है, तो ऐसे में पुलिस भी सतर्क हो गई है। चलिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, किसान आंदोलन को देखते हुए गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने कई गाड़ियों को निरस्त किया, ये बड़ी खबर दे रहे हैं। रेलवे ने कई गाड़ियों को निरस्त किया। बहराइच मैलानी ट्रेन कैंसिल हो गई है, बहराइच नानपारा की ट्रेन निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा बात करें गोरखपुर मैलानी ट्रेन,
लखनऊ तक उसको किया गया है और मैलानी से चलने वाली ट्रेन भी अब लखनऊ से चलेगी। तो ये बड़ी खबर, रेल रोको आंदोलन किसानों का जो है उसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है, कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बहराइच नानपारा ट्रेन कैंसिल की गई है, मैलानी ट्रेन गोरखपुर मैलानी ट्रेन को लखनऊ तक किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है किसान आंदोलन को देखते हुए। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का यह बड़ा फैसला, रेलवे ने कई गाड़ियों को निरस्त किया, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अपने इस ब्रेकिंग सेंटर से। बहराइच मैलानी की ट्रेन को कैंसिल किया गया है पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से, यह बड़ा फैसला। जी आस्था, बिल्कुल। तो देखिए, हर एक बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आस्था बढ़ते हैं जिसमें हम चुनाव से जुड़ी हुई धुआंधार खबरें दिखाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज कानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में करेंगे शिरकत। सुखराम सिंह यादव के बेटे मोहित यादव आज ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा, सीएम की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन करने की खबर। प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का दूसरा चरण, कानपुर देहात जालौन झांसी और महोबा से गुजरेगा परिवर्तन रथ, खुद शिवपाल यादव रहेंगे मौजूद। यूपी उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बुलाई अहम बैठक, बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे मौजूद, पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में बोले प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, कहा नेताजी का मिला है आशीर्वाद, अगर अखिलेश नहीं माने तो नेताजी करेंगे हमारा प्रचार, गठबंधन के लिए सपा सबसे बड़ी प्राथमिकता। सोनभद्र में अनुसूचित मोर्चा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संजय निर्मल का स्वागत, महापुरुषों की तस्वीर पर किया माल्यार्पण, सभा पर साधा निशाना। सपा की जनादेश यात्रा पहुंची सीतापुर, जनादेश यात्रा के नायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का सपा के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। निषाद पार्टी ने जौनपुर में जनसभा को किया संबोधित, अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए को मजबूत करने की कही बात। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि बनेगी चुनावी मुद्दा। मेरठ में चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं की रैली को किया संबोधित, प्रदेश में केंद्र सरकार पर साधा निशान। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब आज मुरादाबाद से करेंगे यूपी चुनाव प्रचार की शुरुआत, जिले में पार्टी दफ्तर का भी करेंगे उद्घाटन। निषाद वोट बैंक पर वीआईपी पार्टी की नजर, चार दिन में यूपी के अलग अलग जिलों में होंगी ताबड़तोड़ जनसभाएं, आज प्रयागराज में रैली। और अब बात करते हैं अपने खास सेगमेंट क्या चल रहा है कि देखिए चुनावी माहौल में आखिर कैसा माहौल बन रहा है, कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों की चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। गंगा सवेरा में हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी अपने संवाददाता नितेश पांडे के पास, जो सीधे आम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आम लोगों से नितेश बात करेंगे और पूछेंगे आखिर चल क्या रहा है। नितेश जी, प्राची अगर बात करें तो बनारस में जो चाय की अड़ियां हैं वो सुबह सुबह गुलजार होती हैं, लोग यहां पहुंचते हैं, चर्चाएं करते हैं और इस वक्त हम पल्लू चाय की अड़ी पर मौजूद हैं। तो चाय बनाने वाला हो या चाय पीने वाला हो, हर कोई इन दिनों राजनीतिक चर्चा में जुटा हुआ है। हालत ये है कि लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, चाय की चुस्की अपने आप है, चाय की चुस्की अपनी जगह है, लेकिन चर्चा क्या है ये जान लेते हैं। क्या चल रहा है इस समय? विकास, बनारस में सिर्फ चारों तरफ विकास ही विकास। धन्यवाद टू योगी जी एंड मोदी जी। जिस तरह से राजनीतिक माहौल गर्म है,
जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं वो लगातार काशी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जनता भी अपना एक मिजाज बना के बैठी है, वो जनता का मिजाज हम जानना चाहेंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अतिथि देवो भवो, काशी में सबका स्वागत है, चाय नाश्ता खाना पीना घूमना बाबा का दर्शन करना, ये तो आम बात हुई। लेकिन अगर दूसरी बात करें राजनीति के तौर पर, तो चुनाव आने वाले हैं, आप लोग वोटिंग भी करेंगे, लेकिन उस वोटिंग को लेकर क्या जनता सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है? तकलीफ थोड़ा बहुत है, जैसे महंगाई वगैरह, अगर विकास होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगा ही, तो यहाँ डिसाइडेड है, यहाँ जो भी है डिसाइडेड है, मन में है, मन में है। प्राची, यहाँ का मिजाज आप देखिए, लोग मोबाइल पर गाने सुन रहे हैं और इसके साथ ही चाय की चुस्की भी लड़ा रहे हैं, और कुछ मन में आपके कुछ कह रहे हैं, आक्रोश सा दिखाई दे रहा है, क्यों? आक्रोश दिखाने का कारण क्या है, हम लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, नेशनल फ्लाइट चालू हो जाए तो कुछ टूरिज्म बढ़ जाए, होटल वाले ट्रेवल्स वाले बहुत लोग हमारे मित्र हैं, वो भी गाड़ी किस्त में निकाले लेकिन वो भी किस्त में नहीं भर पा रहा, उसका टूरिज्म ही नहीं चालू है कि वो किस्त भर पाए, और गवर्नमेंट कुछ रियायत भी नहीं दे रहा कि कम से कम गाड़ी अगर नहीं चल रहा है उसका ट्रेवल्स में तो कम से कम उसको गाड़ी का किस्त जो 3 महीने उसको माफ किया जाए। दादा ये कह रहे हैं सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, क्या ऐसा है क्या? क्या इस पर भी जनता सोच रही है, उसके मन में भी कुछ चल रहा है? जी जी, ये शहर पर्यटन बेस है और हमें अब मदद, हम लोग मदद के लिए देख रहे हैं सरकार की तरफ, सरकार जो भी मदद हमें देगा मुझे बहुत खुशी होगी, अभी तक तो खास कोई मदद मिला नहीं है। हमारे साथ लाली मौजूद हैं, अली आप तो यहाँ दिन भर मौजूद रहते होंगे, तो जो चुनावी चर्चा है, खासतौर पर जो राजनेता इस समय आ रहे हैं, जो चुनाव के दौरान चर्चाएं होती थी वो माहौल अब जमने लगा है या क्या स्थिति? हाँ टाइमली तो जमने लगा है। मुद्दे क्या है? मुद्दे यही है कि किसको वोट दिया जाए किसको न दिया जाए, कौन से अपने कसौटी पर खड़ा उतरता है, अब पब्लिक की है, पब्लिक बारी है, उनको अपना चयन करना है, कैसे प्रत्याशियों को आगे लाना है। सुबह सुबह का समय है लेकिन उद्घोष नहीं कर रहे हैं आप लोग, जो हर हर महादेव कैसे करते हैं? हर हर, ये तो नीतीश, हर हर महादेव का उद्घोष तो काशी की गलियों में हमेशा सुनाई देता है, लेकिन वो कहते ना सुबह की चाय के बाद दिमाग खुल जाता है, तो पब्लिक दिल से बोलती है, तो चल क्या रहा है ये नीतीश ने हमें दिखाया। बिल्कुल, सियासी पारा चढ़ चुका है, चुनावी सरगर्मी तेज है, तो ऐसे में नेताजी का जनता के बीच में भी जाना हो रहा है, उनका शेड्यूल जरा बिजी हो चला है। पर बात यहां पर फिटनेस की भी कर लेते हैं कि बिजी शेड्यूल में कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस के लिए भी समय निकाल रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जो फिट है वही तो हिट है, तो यही बात नेताजी पर भी लागू होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बिजी शेड्यूल के बावजूद खुद को फिट रहने का फॉर्मूला क्या है। आज आपको दिखाएंगे विधानसभा से विधायक और सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। मैं सवेरे जग करके जब मेरे को, मैं आगरा में मेरा रहना होता है, मैं प्रतिदिन यहाँ पर आता हूँ और आधा घंटे का मैं रनिंग वॉक ये करता हूँ, उसके पश्चात मैं योगा करता हूँ 15 मिनट से। तो मेरा ये जब आगरा में रहता हूँ मेरा ये प्रतिदिन का ये शेड्यूल है, और आगरा से जब बाहर रहना पड़ता है तब वहाँ भी मैं करता हूँ, मेरा निरंतर शेड्यूल ये जारी रहता है। मैं सवेरे अपना ब्रश वगैरह आदि करके चाय, एक कप या चाय लेकर के मैं अपने जो पेपर वर्क है वोट बढ़ाने का, और ये सब जो इस समय पार्टी का काम चल रहा है, बूथ पर जाना, बूथ पर सरकार की योजनाओं के पत्र के वितरित कराना जाए। हाँ मैं फील्ड में करीब 9:30-10 बजे निकलता हूँ और जनता से मिलने का काम मेरा निरंतर रहता है, कई विकास कार्य जो हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं उनका भी शिलान्यास लोकार्पण वगैरह ये सब करना होता है। दिन भर हम ये सुबह तो वॉक और ये योग व्यायाम करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो गाड़ी कैसे जाते हैं, एक जगह खड़ी कर देना, फिर जनता के बीच में पैदल चलना, वो भी एक उसी में इंक्लूड, दिन भर में हम कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल हम चल लेते हैं। मैं हम लोगों का खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं रहता जाए, कभी खाना किसी कार्यकर्ता के घर पर खा लिया, क्या दोपहर को समय मिल गया तो दोपहर को हम घर आ गए, हम जो खा लेते हैं
अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में ही क्षेत्र में ही जाना जा रहता है और कार्यकर्ता भी हमारा जो स्टाफ है साथ में जो चलता है सबकी यह चिंता करता है और हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। तो देखिए नेताजी किस तरीके से अपने आप को फिट रखते हैं आस्था, ये हमने दिखाया क्योंकि चुनावी मौसम में नेताजी का फिट रहना बहुत जरूरी है। आम जनता के बीच में जाना है, जनता जनार्दन को मनाना है।